हाँ, आपने कई बार बोला है कि अपना चैम्बर वगैरह कुछ दिखाओ, तो मैं कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मैं कहाँ पे क्या करता हूँ। मैं यहाँ पे पहले करता था, मैं साकेत कोर्ट में हूँ अभी, और साकेत जो दिल्ली में, तो वहाँ के जो चैम्बर है वहाँ का थोड़ा सा नज़ारा आपको दिखाता हूँ। फिलहाल तो मैं यहाँ पे नहीं हूँ, हाई कोर्ट में हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आया तो किसी काम से, तो यहाँ पे मैं पहले कैसे था, यहाँ पे मेरे को कोई मिला नहीं है, तो मेरी सर से बात हो गई, वो थोड़ी देर में आएंगे, यहाँ पे अभी कोई चैम्बर में है नहीं, तो मैं चैम्बर का व्यूज़ दिखाता हूँ आपको कि चैम्बर यहाँ पे कैसा दिखता है। तो देखिए आप चैम्बर कैसा दिखता है। इधर से आप यहाँ से एंट्री हो जाएगी गेट से, तो इधर देख सकते हैं, ये जो कोई भी यहाँ पे अलग जो सेपरेट काम होता है वो यहाँ से कर लेता है, कोई भी बैठ के, जैसे गार्ड्स होते हैं तो यहाँ पे बैठ के कर लेता है। इधर ऊपर जब आप देखोगे तो फाइल्स रखी हुई हैं, इधर देखोगे चेयर्स पड़ी हुई हैं जो कि लॉयर्स के लिए हैं, सामने सर बैठते हैं, ये डेस्क है अपना, और इधर ऊपर आपको देख सकते हो फाइल ही फाइल हैं, इधर एक मूर्ति लगी हुई है कृष्ण जी की, और इधर रैक खाली पड़े हुए हैं, वो एजुकेंसी है, इधर शीशा लगा हुआ है जिसमें आप अपना ऐसे करके बाल सेट कर सकते हो और देख सकते हो चेहरा जब गाड़ी में से निकलते हो। ऊपर घड़ी लगी हुई टाइम देखने के लिए, कैलेंडर है, और ज़्यादा इधर देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं। इधर वो चेयर देखो वो पड़ी हुई है, वो टूट चुकी है दूसरी वाली, एक ही बची है इधर, है ना, दो थी वैसे चेयर। और इधर आप देखोगे वो रैक बने हुए हैं, इसमें फाइल्स होती हैं जो भी सेट होती हैं जो कि न्यू होते हैं। और इधर आप देखोगे इसमें कल कौन सा केस है उसकी फाइल्स, इसमें लगती है टुडे, इसमें यस्टरडे की फाइल्स वगैरह इसमें सेट हो जाती हैं। ऊपर एक छोटा सा एसी, खिड़की लगी हुई है, फाइल्स ऊपर रखी हुई हैं। और इधर से आप देखोगे तो इधर बुक्स वगैरह और फाइल्स वगैरह जो इम्पोर्टेंट हैं, जो बंदा कभी भी कोई भी पढ़ सकता है, इधर यू कैन सी है, इधर बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, केस डायरी बुक्स वगैरह जहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ऊपर फाइल्स रखी हुई हैं, और नीचे इधर जो केसेस और ऊपर फाइल, और इधर दिखाता हूँ क्या है इस बोर्ड पर लगा हुआ, तो इस पे अभी करना तो नहीं दिखाता, ब्लर करना पड़ेगा मेरे को। इधर केसेस वगैरह हैं, कौन सा हमारा केस किस कोर्ट में है, तो उस मैटर में अब, और मैं कोर्ट का तो आपको दिखा ही चुका हूँ, और भी अगर कैसा होता है, एक कोर्ट की मैंने क्लिप ली थी जिसमें मैं गया था रीडर के पास में, डेट कैसे लेते हैं वो आपको दिखाने वाला हूँ कि डेट कैसे लेनी है। ये तो नहीं बताने वाला डेट कैसे लेनी है क्योंकि ये अलाउ नहीं है, वहाँ पे अंदर दिखा के वीडियोग्राफी करना है ना, लेकिन मैंने कैप्चर किया था कि डेट वगैरह वो कैसे देते हैं, कैसे उनके अब सिस्टम जो होता है वो सब कुछ दिखाया हुआ है, उसे भी मैं कैप्चर करूँगा, इस वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा। ये रीडर का सिस्टम है जहाँ से आपको डेट्स वगैरह मिलती हैं, और इधर आप नीचे से देख सकते हैं, इधर जो है स्टैनो बैठे रहते हैं जो जैसा जो भी बोलते हैं उसको टाइप करते हैं, और भी कोर्ट में अपीयर कैसे होना है, मैं खड़ा हुआ था वहाँ पे, सब कुछ मैंने दिखाया हुआ है। और भी कुछ चाहिए होता है तो ब्लॉगिंग प्रॉपर चल रही है, आप कमेंट कीजिए, लेकिन ये मत बोल देना कि जैसा आपके साथ मैं अगर कोर्ट में अंदर डायरेक्टली प्रैक्टिकली, ये नहीं पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि ये अलाउड नहीं है। जिस दिन होगा उस दिन करेंगे, लेकिन सपोर्ट जुड़े रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्लॉग पसंद आया तो शेयर जरूर कर।